सोमवार को स्कीम नंबर 54 स्थित होटल गोल्डन गेट में भयानक आग लग गई। सुबह 8:30 बजे आग लगी, जिसे शाम तक बुझाया जा सका। हादसे के वक्त होटल में स्टाफ सहित 11 लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। पता चला है कि होटल रहवासी प्लाट पर बना था, उसके पास न फायर एनओसी थी और न फायर उपकरण। होटल प्रबंधन पर 6.25 लाख रुपए संपत्ति कर भी बकाया है। कुल मिलाकर आग का जैसे ही पता चला तो लोग इधर उधर भागे बचने के लिए, इसके बाद उन्हें सीढ़ी लगाकर बचाया गया। कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर है और इस होटल का मालिक बदनावर में पदस्थ टीआई सीबी सिंह के भाई सीएस सिंह को बताया जा रहा है। विजयनगर पुलिस के अनुसार आग से 15 मिनट में पूरा होटल चपेट में आ गया। 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड भी आग को काबू में नहीं कर पाई। कुल मिलाकर इस पूरी होटल से यह सवाल सामने आया है कि इनमें जब फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है तो फिर यहाँ इतनी बड़ी होटल कैसे चल रही थी। मुंबई के एक निजी कंपनी के सीईओ दीपक बजाज भी कमरा नंबर 205 में ठहरे थे। घटना के वक्त वे सो रहे थे। आधे घंटे तक उन्हें पता नहीं चला कि आग लगी। धुआं फैला तो नींद खुली। वे छत पर दौड़े, मदद के लिए गुहार लगाई। एक चाय वाले तथा अन्य लोगों ने छत से होटल की छत पर सीढ़ी लगाकर उन्हें सुरक्षित निकाला। सुरक्षित बाहर निकलते ही सीईओ ने चाय वाले मुकेश सिंह ठाकुर को गले से लगा लिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.